Hey guys, welcome to my channel. Guys, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल सी पिट का हिंदी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फिलहाल अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेंशन हो रहा होगा जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है, यानी इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। ऑप्शन आपके पास खेत, प्रभु, नाथ या त्रिकुटी। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो खेत है वो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो क्षेत्र होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज है, लाश, औरत, पतलूम या धड़ान। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका देशज हो जाएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो धड़ाम है वो देशज शब्द है, बाकी सब देशज नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या है, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, ऋग प्लस वेद, रि प्लस गवेद, ऋग प्लस वेद या रि प्लस वेद। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऋग प्लस वेद ऋग्वेद होता है और या ये किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है आप बीती शब्द में समास कौन सा है। जब भी समास आपसे पूछे तो सबसे पहले समास विग्रह कर लीजिए, आप बीती यानी आप पर बीती, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। फिर कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, यहाँ में कारक यूज हुआ है, में कारक कौन सा कारक है, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक, यहाँ अधिकरण कारक का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको पर्टिकुलर पदांश दिया हुआ है, उसको रीड करके आपको 37 से लेकर 38 के क्वेश्चन देने हैं, यानी आंसर देने हैं। क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, सांप्रदायिकता तक, आत्मा तक, धर्म तक या राजनीतिक क्षेत्र तक। यहाँ देखिए कहाँ तक दिया हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनके आंसर क्या होंगे। मैं आपको ऐसे ही इनके आंसर बता देती हूँ, आप अच्छे से इन्हें रीड कर लीजिएगा फिर ही आंसर इनके दीजिएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर संसार के सारे वाद सीमित हैं राजनीतिक क्षेत्र तक। फिर कह रहा है कि गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। फिर कह रहा है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, रागेंद्र यादव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन या धर्मवीर भारती। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कनुप्रिया के रचनाकार है वो है धर्मवीर भारती। फिर कह रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा है, ओम, ओम, ओम या औम। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ओम जो है वो प्लुत स्वर है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वो है ये मतलब इसको लंबा घसीटा जा रहा है ओम, तो यहाँ प्लुत स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश या निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश या मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन ने पहले मधुशाला की रचना की, फिर मधुबाला की, फिर मधुकलश की, फिर निशा निमंत्रण की। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही सुमेलित करना है, इधर आपके कुछ कार्यक्रम दिए हुए हैं और उनकी ईयर दिया हुआ है कि किस ईयर में ये हुए हैं। पहला कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन आपको जो हुआ था वो किस में हुआ था, 1910 में हुआ था। काशी नागरी प्रचारणी आपकी जो सभा हुई थी वो किस ईयर में हुई थी, 1893 में। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा में हुई थी वो 1918 में हुई थी। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ए बी। सी ए बी किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो 42 नंबर का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
डॉक्टर रामविलास शर्मा या महादेवी वर्मा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की, सुषम वेदी की, उषा प्रियंवदा की या मन्नू भंडारी की? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? प्रभा खेतान की। अन्या से अनन्या तक जो आत्मकथा है वो प्रभा खेतान की है। फिर कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू का, नानक का, रैदास का या कबीरदास का? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी का है। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपको एक गद्यांश पढ़ने के लिए दिया गया है और 46 और 47 के सही विकल्प छांट कर बताना है। कह रहा है कि वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल मलो अमोलन की, घुघरारी घटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कलोपन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाओ ललाइन बोलन की। इसमें कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस? तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ खुशी जाहिर की जा रही है, कोई एक क्या कह रहा है कि एक बालक है जिसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। तो यहाँ आपका यानी उसके अधर की, उसके आंखों की, सबकी प्रशंसा की जा रही है। तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उपर्युक्त पद किस कवि का है? सूरदास का, तुलसीदास का, कबीरदास का या जायसी का? तो अगर आप पद अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये तुलसीदास का है। देखिए यहाँ दिया भी है, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललायन बोलन की। तो यहाँ तुलसीदास जी हो जाएंगे इसके रचनाकार। फिर कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि में कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत से है, चाकंठ से है, खातालव्य से है, सा मूर्धन्य से है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका चा है वो कंठ से नहीं होता है, ये आपका किससे होता है? मूर्धा से होता है। सा तो मूर्धा से होता ही है। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सा होता है वो दंत से होता है, जो खा होता है वो आपका होता है तालव्य से, बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगी कि जो सा होता है वो दंत से होता है, का खा गागा जो कवर के होते हैं वो कंठ से होते हैं, और फिर आपका जो चाछा जाजा होता है ये मूर्धन्य से होते हैं, तालव्य के आपके टाठा डाढ़ा ये आपके तालव्य से होते हैं। तो मैंने आपको सही से सब कुछ बता दिया है। फिर कह रहा है कौन सा कथन अशुद्ध है? पहला, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छह संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग कंठ वर्ण है ये बिल्कुल सही है, कावर्ग और विसर्ग ये कंठ वर्ण है, छह संयुक्त व्यंजन है, का और शा से मिलकर बना हुआ है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया ये भी सही है, लेकिन दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है ये संभव नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के बिहार पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के किस विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यानी लड़के के विषय में जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से अशुद्ध कौन सा है? करता है, बिल्कुल सही बात है, लड़का करता है, एक वचन है ये भी सही है, पुल्लिंग ये भी सही है, बहुवचन है ये गलत है। जब एक वचन है तो बहुवचन कैसे हो सकता है? तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो बी विकल्प है वो अशुद्ध है। फिर कह रहा है कि राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? भाववाच, उभयवाच, कर्तवाच या कर्मवाच? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राम आम खाता है बनी वो कर रहा है तो कर्तवाच्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गय न उबरे मोती मानुष सुन। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या उपमा? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो पानी शब्द का यूज किया गया है उसका एक अर्थ नहीं है, कई अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। यह पानी जो चूने के लिए पानी वर्ड का है और मोती के लिए चमक का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, आंख, अंक या अंगना? तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है। चांद में जो आपका ये चंद्र बिंदी वाला लगेगा यहाँ भी वही सेम है, और अंक में सिर्फ एक बिंदु लगेगी, तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शब्द की वर्तनी सही है, समनिधि, सन्निधि,
सन्निधि या संनिधि, तो इसमें से राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ एकदम, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। फिर कह रहा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी इसमें जो सिनोनिम प्रयोजन का सिनोनिम जो वर्ड नहीं है वही आपको बताना है। प्रयोजन हेतु, उद्देश्य, नियोजन लक्ष्य, तो नियोजन क्या है जल्दी बताइए कमेंट करके, इसका सही हो जाए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। प्रयोजन का विलोम होता है नियोजन, इसमें समान अर्थ वाले वर्ड की बात कर रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है रिजु का विलोम शब्द कौन सा है, तो रिजु मतलब होता है क्या, ऑप्शन आपके पास त्रिकोण, वक्र, सीधा, सरल, तो राइट ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। रिजु मतलब होता है सीधा, और सीधा का विलोम हो जाएगा वक्र, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक है, 25 अपूर्णांक बोधक है, तो इसमें बताइए कि कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध निर्देशन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये गलत है, इसमें विशेषण है, तो इस वजह से ये अशुद्ध हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम, तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, आप भला तो जग भला, यानी ये खुद की बात कर रहा है कि अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, तो इस वजह से यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कढ़ी, सरसों, संतान, या चील, तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, संतान क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।